खरगोन जिले के सेगांव विकासखंड में धीरे धीरे कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड के ग्राम श्रीखंडी ग्यारसपुर और घाटला खेड़ी में एक एक महिला कोरोना संक्रमित निकली है, जिसमें श्रीखंडी के 43 वर्षीय आशा सहयोगियों और ग्यारसपुर में 30 वर्षीय आशा कार्यकर्ता और घाटला खेड़ी में 38 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला कोरोना संक्रमित निकली है। तीन और कोरोना संक्रमित निकलने के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। वहीं आज नायब तहसीलदार राकेश बर्डे और चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्या ने प्रशासनिक टीम के साथ तीनों गाँव में पहुँच कर तीनों कोरोना संक्रमित महिलाओं को क्वारंटाइन के लिए खरगोन रवाना किया। एहतियात के तौर पर तीनों गाँव में संक्रमित महिलाओं के मोहल्ले को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। से गांव से गौरव दसंदी की रिपोर्ट। जिस तरह सर अभी ग्राम में कोरोना और निकल रहा है तहसील प्रशासन में, उसको लेकर सर क्या कहना है अभी आपका? अभी चूंकि पहले शहरों में था, अभी गांव में निकल रहा है कोरोना। आज सेगांव ब्लॉक के अंतर्गत तीन गांव में निकला है, जिसको सील किया है अपन ने, और कोरोना पेशेंट को खरगोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज के इलाज एडमिट किया है, और बाकी जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट वाले हैं उनको अपन ने होम क्वारंटाइन किया है। एक लोगों में जागरूकता जितना प्रशासन और शासन प्रशासन की तरफ से हो रहा, जागरूकता फैलाई जा रही है, बावजूद लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अभी गाँव में भी कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। गाँव में जागरूकता की कमी है। अभी भी जैसे हम लोग घूम रहे हैं, बहुत लापरवाह लोग बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंस के घूम रहे हैं। यही वजह है कि उस कोरोना पे पेशेंट जो है निकले आ रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? नायब तहसीलदार राकेश वर्डे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।